जहां देश भर में कोरोना महामारी की मार समाज का हर तबका झेल रहा है, वहीं चंडीगढ़ में शहर के व्यापारियों और उद्योगपतियों के होश तब उड़ गए जब उनके पास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से लाखों के प्रॉपर्टी टैक्स भेज दिए गए। इस मामले को अर्थ प्रकाश समाचार पत्र द्वारा गहनता से उठाया गया। इसी संदर्भ में 10 जून को अर्थ प्रकाश द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के जाने माने व्यापारियों ने हिस्सा लिया। वे प्रॉपर्टी टैक्स की मार पर जमकर चर्चा हुई और अर्थ प्रकाश के इस वेबिनार में उठी व्यापारियों की आवाज़ चंडीगढ़ नगर निगम में गूंजी। फिर क्या था, शुक्रवार को निगम के अधिकारी व्यापारियों के यहाँ जाने शुरू हो गए और लाखों के जो टैक्स आए उनको कम करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। वहीं हमारे संवाददाता राहुल तिवारी ने मौके पर पहुंचकर इस मामले पर व्यापारी से बातचीत की। देखें। नवीन मंगलानी, अशोक गोयल सर, अभी कुछ टाइम पहले एक प्रॉपर्टी टैक्स को लेके मुद्दा काफी गहमा गहमी में था, उसको लेके अर्थ प्रकाश ने भी अपनी अखबार में इस मुद्दे को काफी हाईलाइट किया, तो उसके बाद एमसी के कुछ लोग आए और उसके बाद व्यापारियों के बीच में आके अपना काम कर रहे हैं, जो भी मामला है उसको थोड़ा ब्रॉड करके, तो आप इसके बारे में बताएंगे क्या है? ऐसा है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स के बिल्स जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेटेड आए थे, पुराने जो एरियर्स थे उनको फिर उन्होंने दोबारा, जो लोगों ने वो भी कर दिया था, एनडीसी भी ले लिए थे, उनके भी फिर दोबारा एरियर्स दिखाए थे प्रॉपर्टी टैक्स पर। 70% ऑफ द बिल्स में ऐसी प्रॉब्लम है, तो जब हमने आपके थ्रू अर्थ प्रकाश के थ्रू मुद्दा उसमें लाए तो उन्होंने अब ये हेल्प करी है कि उन्होंने यहाँ पे हमारे यहाँ कैंप ऑफिस बना दिए, जिसमें दो कितनी स्टाफ उनका कल आए थे और उन्होंने 23 फाइलों को कल रिजॉल्व किया है, जिसमें से 11 फाइलें तो एनडीसी हो गए जिनके एरियस थे, लेकिन अब इन्होंने अपने कंप्यूटर पे भी उसको एनडीसी दे दिया। क्या ये कब से, ये प्रोसीजर कब से शुरू हुआ है? ये कल से ही हुआ। तो इसमें कोई कूपन सिस्टम होता है कि व्यापारी को बताया जाता है कि आपकी समस्या के लिए आपका दिन या टाइम? नहीं, ऐसे हमने पहले ही उनको लिस्ट प्रोवाइड की थी अराउंड 50, और उसके बाद भी हमने लिस्टें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एज एंड व्हेन हम ऐड करते जा रहे हैं जो जो हमारे पास पीआईडी नंबर आ रहे हैं और हम उसको रिजॉल्व करवाते रहेंगे विद सेम सीक्वेंस। इसके बीच में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि जैसे फर्स्ट डे था तो 23 ही केस इनके स्कूटनाइज हो पाए, और लगता है आज कुछ और ज़्यादा हो, नहीं तो हम उनका रिक्वेस्ट करेंगे कि आप स्टाफ थोड़ा सा और बढ़ा दो ताकि लोगों की जो एंग्जाइटी है वो ख़त्म हो। एमसी की तरफ से आपको क्या फैसिलिटी, मतलब इसको लेकर जैसे उन्होंने को ग्राउंड लेवल पर उतरे हैं तो उनकी तरफ से आपको क्या वो लाभ प्राप्त हो रहा है या हेल्प मिल रही है? नहीं, एमसी ने तो स्टाफ प्रोवाइड करवाया है अभी, तो अभी तो दो, आज मेरे दो बंदे हैं, आज दो आए हैं, तो तीन आए थे। देखिए, ये तो वो अपनी गलती ही सुधार रहे हैं, कुछ एडिशनल कुछ नहीं कर रहे। वो कूपन, जैसा कि आपने बोला, कूपन ही है, एनुअल बिल्स आते हैं, SMS आया संपर्क की साइट से, संपर्क से बिल आया, लोग हैरान हो गए देख के, बिल्स आए सेम अमाउंट, बड़े परेशान हुए, तब हमारी नोटिस में आया, ये वीक से शुरू हुआ है बिल्स आने का सिलसिला ये साल का, तो मल्टीफोल्ड आए, जिसका 15-20 हज़ार रुपया बिल आना चाहिए एनुअल, उसका बिल आ रहा है 1,00,000 रुपया, जिसका 25,000 आना चाहिए उसका आ रहा है 10,00,000, 12,00,000, 15,00,000, ऐसे बिल आए हैं। उनके केसेस हैं जिन्होंने क्लियर कराया हुए लास्ट ईयर, एरियर सारे क्लियर हुए हुए, तो एक्स्ट्रा, मतलब वो उनकी बैकएंड पे गलती है, तो ना के क्योंकि उधर डेडिकेटेड स्टाफ इंडस्ट्री एरिया को नहीं कर पाते, इंडस्ट्री में कमर्शियल के बिल ज़्यादा इन्होंने की गलतियां आई हैं, तो वो सुधारने के लिए हमने बोला कि कोविड के ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड हर एक इंडिविजुअल उधर जाके बिल ठीक करवाएगा तो ठीक नहीं है, तो हमने इंडस्ट्री से सारे जिसकी जिसकी प्रॉब्लम्स हैं कलेक्ट करे हैं केसेस, और इनको दे रहे हैं बैकएंड में, हमने जगह प्रोवाइड कर दी, अपना बंदा साथ में असिस्ट करने के लिए दे दिया कि वो सुधार करो बिल्स के, और कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं आएगा उससे, जो जो ये जिनका तो गलती मिल गई बता दिया, मोस्टली केसेस क्लियर हो जाएंगे, जिनके नहीं हुए, इनके रिकॉर्ड में रिसीट्स नहीं है, वो फिर
कंज्यूमर्स को या प्लॉट ऑक्यूपायर्स अलॉटीज को वो दिखाना पड़ेंगी रिसीट पुरानी जाके, उनको ऊपर मत, वो परेशानी बहुत है क्योंकि ये 2004 से प्रॉपर्टी टैक्स लगा है जो एमसी को, तो इन्होंने 2004 से रिकॉर्ड मांग लेते हैं कई बार, जो कि बिल्कुल गलत है। इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 6 साल से पुराना रिकॉर्ड नहीं रखने को कहता। एक बारी फॉर एग्जांपल मेरे को 2014 में आ गया, जी ये करंट बिल है, पिछले क्लियर हैं, मैं पिछला रिकॉर्ड रखूंगा नहीं। 2020 में मेरे को आ गया, नहीं जी 2014 से भी पुराना रिकॉर्ड आपका ये कुछ ड्यूज हैं निकलते हुए, तो मेरे पास तो रिसीट ही नहीं रखी है। एक बार इन्होंने क्लियरेंस दे दी कोई साल की, ओनली करंट बिल दिया वो साल में विदाउट एनी एरियर्स, तो मैं तो अज्यूम करूंगा कि उसमें पीछे क्लियर है। दोबारा ये कहाँ से रिकॉर्ड इनको नहीं मिलते या नहीं ट्रैक होता या चेक्स टैली नहीं होते, वो उनकी हेडेक है। इसके बीच में सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि एमसी की गलती है। देखो जी फिलहाल तो वही लग रही है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस तो गलतियां निकल रही हैं, सुधारी हैं इन्होंने। हमने कोई रिसीट अभी नहीं दे रही, सिर्फ प्लॉट नंबर पीआईडी नंबर इनका होता है, प्रॉपर्टी आईडी नंबर, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये अपने रिकॉर्ड से अभी वेरीफाई करके वो बिल सुधार रहे हैं। दैट मींस इनके बैकएंड पे रिकॉर्ड था, इन्होंने बिना वो थोरो चेक करे बिल दे दिए। ऐसा कोई आइडिया अभी तक, मतलब आपके पास कोई लिस्ट, कितने लोगों की लिस्ट है, कितने केस हैं ऐसे जो जिन पे काम चल रहा है? लास्ट वीक से बिल शुरू हुए हैं जो इन्होंने 23 केसेस सॉर्ट आउट किए ना, देखिए तो उन्होंने 11 फाइल्स इन्होंने ऐसे करी हैं कि जिसमें एरियाज इन्होंने बिल में शो किए थे, लेकिन वो अब उन्होंने उसको जीरो कर दिया। तो इट मींस जो नवीन जी का कहना है कि पहले इनके पास रिकॉर्ड था, हमने कोई रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं किया, इनके पास रिकॉर्ड था लेकिन उन्होंने बगैर रिकॉर्ड को देखते हुए वो कर दिया, अब वो अपनी गलतियों को ठीक कर। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।